माय डियर स्टूडेंट्स, आई शैल टीच यू सेकंड पार्ट लेसन 3 द डिजायर। डिजायर प्लांट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, डिजायर प्लांट एंड एनिमल्स दैट टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। करेक्ट, डिजर्ट के पौधों और जानवरों को अन्य जगहों के पौधों जानवरों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है और कम पानी का यूज करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। करें, सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कृषि कुछ पौधों और जानवरों को जो डिजर्ट में रहते हैं उनमें जो है अन्य जगहों में उगने वाले पौधों और जानवरों की अपेक्षा जो है कम पानी में जीवित रहने की क्षमता होती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द सिपार डिजर्ट। करें, कैमल को प्रसिद्ध रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। करें, वो जो है एक समय में ढेर सारा पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डे टुगेदर। करें, कैमल जो है कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। दे स्वीट बिकॉज दे द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल। करें, इसका कारण यह है कि वो पसीना बहुत कम निकालते हैं। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। करें, हम लोग अपने शरीर को हम लोग पसीना निकालते हैं क्योंकि हम लोग अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट। करें, हम लोगों को तब पसीना निकलता है जब गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। करें, शरीर को ठंडा रखता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। करें, कैमल का शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। करेक्ट, वे उन्हें पसीना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही कारण होता है कि वे अधिक करें कि जो पानी पीते हैं वो उनके शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक दिनों तक चलता है। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। करें, जो डिजर्ट के छोटे छोटे जीवों पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। करें, वे जो है गर्मी के दिन में या गर्मी बढ़ने पर जमीन के अंदर बिलों में चले जाते हैं। केम आउट एट नाइट टू ईट और रात को खाने के लिए निकल आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। करें, उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और जो उसमें मांस में जो नमी होती है उससे अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स। करें, दूसरे लोग पौधों और सीड्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेज। और जो है अपने पानी की आवश्यकता जो है उन पौधों के रस से पूरी करते हैं। डिजर्ट प्लांट आल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। करें कि डिजर्ट के पौधे अपने को जो है उस जलवायु के अनुसार अपने को जो है उन्होंने बदल दिया है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। करें, कैक्टस का पौधा जो है अपनी मोटी जड़ों में जल को एकत्र करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज इन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। करें, उनकी जो है जड़े जो है करें कि जमीन की सतह में
पड़ी जाती है एंड क्विकली आजर द मास्टर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। और कहीं की जब कभी संयोग बस डिजर्ट में बरसात हो जाती है तो उसकी जड़ें तेजी से उसकी नमी को आबजन कर लेती हैं। द मेजर फीचर ऑफ आल डिजर्ट्स इज आप पोस्ट ड्राइनेस एंड वेजिटेशन ऑफ टेम्परेचर। करें कि द मेजर फीचर करें कि प्रमुख इसका डिजर्ट के पौधों का प्रमुख कारण यह है कि निश्चित रूप से ये सूखे और करें कि टेम्परेचर में बदलाव के में सक्षम होते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट करें कि नमी युक्त जलवायु में द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। करें कि जो मॉइस्चर जो हवा का जो हवा की नमी जो हो इसका काम करती है एक ब्लैंकेट का कंबल का। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और करें कि सूर्य की तेज और गर्म किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डिजर्ट लैंड कॉजेस द डिजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल अप रैपिडली और नाइट। करें यही कारण है कि इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति के कारण डिजर्ट की भूमि जो है तेजी से दिन के समय गर्म होती है और रात के समय तेजी से ठंडी हो जाती है। डिजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। करें डिजर्ट जो है इस कर इस महान योजना के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। करें वे जो है बड़े घने जंगल और गहरे महासागर भी हो सकते के समान भी हो सकते हैं। बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई क्योंकि वे इस वजह से कि वे ठंडे और सूखे होते हैं। नो शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। करें इसलिए उसको किसी को जो है पृथ्वी के यूजलेस पार्ट के रूप में डिजर्ट को नहीं देखना चाहिए। अभी कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग वीडियो को पढ़ेंगे और फिर मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फिर भेजेंगे। थैंक्स।